इंदौर से कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं आपके आशीर्वाद से। आप कैसे हैं? हम ठीक हैं आपके आशीर्वाद से। आदाब असीमदाब। जय हिंद, आदाब, स्वागत कर्नल वर्मा का। रस्म जारी नहीं, बस मेरे कॉल की। दो सवाल मेरे पूछना थे आपको। एक तो ये जो हाथ पैर में अचानक बावठा आ जाता है, तो किसी गोंद किया बेहतर रहेगा या कुछ और रहेगा? और दूसरा ये कि ये जिस्म में सर थकान थकान सी महसूस होती है, कमजोरी सी रहती है, इसके लिए क्या कर लेना चाहिए? जो ठीक है, हाँ देखिए, बाइटा हाथ में आना या पैरों में आना, ये निशानी है कि नर्व हमारी नर्व में यानी नसों में कुछ प्रॉब्लम है, जो जैसे पिंडलियों में एकदम अकड़न सी हो गई, पैर ऐसा ऐंठ गया, इसी को बाइटा कहते हैं। ये हाथों में हो या पैरों में, तो दरअसल ये हमारी जो नसें हैं ये कहीं दबने लगती हैं, और कहीं क्या कमर में दबने लगती हैं, जिसकी वजह से हाथ या पैरों में बाइटा आता है। और आपने सही फरमाया कर्नल वर्मा साहब कि गौंसिया इसका एक अच्छा इलाज है, अगर आधा आधा ग्राम लिया जाए तो ऐसी तकलीफ़ों को, या घुटने के दर्द की तकलीफ़ें, कमर के दर्द की, या स्लिप डिस्क की, अगर असली गौंसिया मिल जाए तो फिर इनको फिर फायदा मुमकिन है। थकान, थकान देखिए दो तीन वजह से होती है। हमारी आपकी उम्र वाले लोग जब इस उम्र में हमारे जिस्म में वो सब कुछ उतना तैयार नहीं होता जितना हमें चाहिए, तो हमें थकान सी रहती है कि दिल नहीं चाहता उठने को, चलने को। तो इन सब बातों का ख्याल करते हुए कि अपना बीपी वगैरह भी चेक करें और कोलेस्ट्रॉल भी चेक हो जाए तो अच्छा है, साल में एक दो बार हो जाए खून का टेस्ट। ब्लड प्रेशर तो आप हमेशा कर सकते हैं, रोज़ कर सकते हैं, ये सही अगर हो। अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आए तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल का इलाज करें, तो फिर आपकी थकान जाती रहेगी, क्योंकि खून गाढ़ा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है और वो सुस्ती से चलता है, और हमारे को तहरीक रहती है, एक्टिव रहते हैं हम खून की एक पर्याप्त तेज़ी से चलने से। जैसे आपने बच्चे देखे होंगे, अब उन्हें सीधा खड़ा नहीं कर सकते, उनका हाथ पैर ऐसे हिलाते ही रहते हैं, तो उनका खून पतला होता है, तो उनको चैन नहीं पड़ता। अब खून अगर पतला है तो ब्लड प्रेशर भी जाहिर नहीं होगा और बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी। अब हम आ जाते हैं कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स और आयरन। आयरन की कमी भी हमें थका हुआ सा महसूस कराती है, मल्टीविटामिन्स की भी और कैल्शियम की कमी भी। तो आयरन, मल्टीविटामिन, कैल्शियम और बहुत सारी जिस्म की ज़रूरत की चीज़ें जो एक ही कैप्सूल में मिल जाती हैं, एलोपैथ में भी हैं, तो वो आप एक रोज़ाना खा सकते हैं। और बस ये है कि किसी किसी को ये आयरन का कैप्सूल पेट में तकलीफ़ करता है, कब्ज़ कर देता है और लैट्रिन काली सी कर देता है। फौलाद यानी लोहा यानी आयरन, जैसे हम पालक वगैरह खाते हैं ना, उसकी सब्ज़ी किसी दिन खाते हैं तो उस दिन हमारी जो पॉटी है वो काली सी होती है, और आम आदमी समझ नहीं पाता कि आज ये काली पॉटी क्यों हुई है। ऐसे ही मल्टीविटामिन्स आयरन के कैप्सूल खाने से भी यही हाल होता है। तो जिनको कैप्सूल से परेशानी हो वो इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं।
तो उससे फिर कब्ज वगैरह नहीं होता, तो ये इस्तेमाल करें, सेहतमंद रहें। ज्ञान प्रभा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार मैम, हकीम जी से बात करा दीजिए। जय हिंद, स्वागत ज्ञान प्रभा जी आपका, बहुत बहुत नमस्कार हकीम जी। जय हिंद, स्वागत है। ये मैंने पी केयर कैप्सूल मंगाए थे, तो ये किस चीज के लिए होते हैं? आपने किस चीज के लिए मंगाए थे? तो बहुत सारे रोगों के लिए होते हैं। ये मैंने खुजली के लिए मंगाए थे, मुझे शरीर में बोला था कि गर्मी बहुत हो गई है, गोंसिया बहुत खाया था तो बोलते गर्मी बहुत हो गई है, तो वो खुजली खुजली हो रही थी। ठीक है, अब क्या हाल? और पेशाब में जलन हो रही थी, पेशाब गर्म आ रहा था एकदम। अभी कैसी तबीयत? अभी हाँ, पहले से थोड़ा ठीक है। तो ये पी केयर चाहिए क्या? ठीक है जी। और भी आप बता दीजिए कुछ थोड़ा। ठीक है। अच्छा देखिए, पी केयर एक ऐसा कैप्सूल भी है जो दवाओं के नुकसानात को रोके रखता है। आप अगर एलोपैथ दवा खा रहे हैं कोई भी और पी केयर साथ में रहते हैं, तो उस एलोपैथ की दवा के नुकसान को होने नहीं देगा। लीवर और किडनी को ऐसे धो मांझ के रखता है, बहुत सारे रोगों में से काम आता है। ये स्किन रोग के लिए भी है, ये एसिडिटी के लिए भी है, कब्ज के लिए भी है, पेशाब की जलन के लिए भी है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है, और बवासीर के लिए। यानी ये एक ऐसा कैप्सूल है जो 8-10 रोग अच्छे एक साथ करता है। ये चेहरे को साफ करने के लिए, मुहासों के लिए भी है, स्किन रोग के लिए है। तो ये तो आप ले रहे हैं और आपको फ़ायदा भी शुरू हो गया, लेकिन एक जो आपके किचन में खाने का सोडा है वो एक चुटकी लेकर पानी में मिलाकर पी लिया करिए, चाहे तो इस पानी से ही खा लिया करिए ये कैप्सूल, दिन में एक बार या दो बार, लेकिन एक चुटकी लेना, इससे भी आपको और ज्यादा फायदा मुमकिन है। जम्मू से हैं रिया जी, स्वागत है आपका। मैम। हाँ जी रिया। नमस्ते हकीम जी। जी हाँ जी सर, मेरी एक भाई है मेरा, सर उसकी बाजू, दोनों बाजू में ना ऐसे गिल्टी गिल्टी हैं, सामने दिखती हैं गोल गोल सी, चार पांच एक बाजू में है, चार पांच एक बाजू में है। उम्र कितनी है उनकी? मैम उसकी उम्र है 30। और कोई परेशानी मैम? और मुझे पहले तो शाइयाँ वगैरह थी, अब वो ठीक हो गई हैं, मैंने 4-5 महीने हो गए वो खाते गोंद मुरिंगा, मुझे फर्क है, मगर मेरे डार्क सर्कल नहीं जा रहे हैं। ठीक। और थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश में है अभी, चीज में ना थोड़ी थोड़ी ब्लैकिश है, पहले से तो बड़ा फर्क है मैम। ठीक है जी। मैम मुझे डार्क सर्कल के लिए और इसके लिए बताना। बिल्कुल बिल्कुल। गोंद मुरिंगा तो आप खा ही रहे हैं, कुछ मल्टी विटामिन के कैप्सूल आते हैं, आयरन के कैप्सूल आते हैं, कैल्शियम मल्टी विटामिन और आयरन, इन सब का मिला जुला रूप एक कैप्सूल या एक टैबलेट के बतौर आता है। ये आप एक रोज ले लिया करिए तो आपको और भी ज़्यादा फायदा मुमकिन है। बहुत मुबारक, आपको फ़ायदा होने लगा। और भाई के गांठों के लिए उनसे कहें कि ज़्यादा एनिमल फैट इस्तेमाल ना करें। अच्छा, एनिमल फैट हम समझते हैं कि गोश्त में है, मीट में है, एनिमल फैट दूध में भी है, मक्खन में भी है, देसी घी में भी है, तो वो कम से कम करें। और जब खाना खाएं तो एक नींबू निचोड़ लें पानी में, बाद में खाना खाने के बाद ये पानी पी लिया करें। इससे जो फ़ायदा होगा वो सबसे बड़ा ये होगा कि और गांठें निकलना बंद हो जाएंगी, नहीं तो जिसको निकलती है पूरा इसकी एक पूरी माला बन जाती है, तो ये ज़रूर किया करें। और एक चुटकी खाने का सोडा, आपके किचन में जो बेकिंग पाउडर कहलाता है मीठा सोडा, एक चुटकी खाने का सोडा और एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिला के रोज़ाना एक बार या दो बार
भाई को पिलाया करें, उसको बहुत सारे फायदों के साथ ये इसमें भी फायदा होना मुमकिन है। छत्तीसगढ़ से हैं माया सोनी जी, स्वागत है आपका। हाँ मैडम जी नमस्ते। जी नमस्कार मैम। हाँ और डॉक्टर साहब जी को बार बार नमस्ते। बार बार स्वागत आपका। जय हिंद। हाँ मैं आपके प्रोग्राम देखती हूँ। मैंने डायरी बना रखा है। मेरे 3 सवाल हैं जी। हाँ एक तो मुंडी बूटी कहाँ मिलेगी? मुंडी बूटी कहाँ मिलेगी जी? और दूसरा है गोंद मोरिंगा बच्चों को किस उम्र में दे सकते? ठीक है। और तीसरा सवाल है कुटकी किस काम में आता है? कुटकी। ठीक है। हाँ और बुखार जैसे अभी लिखा है सपिस्तान उन्नाव अलसी, तो ये कहाँ मिलेगा उन्नाव और सपिस्तान? ठीक है। और मेरा सवाल है मैं गोंद मोरी काला गोंद ले रही हूँ, ये दूसरा डब्बा है, तो मेरे को तो 15 साल से दर्द था, ऑपरेशन का था, तो मेरा आराम तो बहुत है पर अब थोड़ी सी हड्डियों में दर्द हो जाता है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 60 है उम्र। ठीक है मैम। मैं जॉब करती थी, अभी छोड़ चुकी हूँ कोरोना काल से, तो आपके प्रोग्राम से जुड़े रहती हूँ। शुक्रिया जी। नहीं ये तो यकीन आ गया कि वाकई आप जुड़ी हुई है हमारे साथ, क्योंकि जो सवाल आपने पूछे हैं ये हमारे साथ बगैर जुड़े कोई पूछ ही नहीं सकता, बहुत गहरे सवाल है सारे। ये जो आपने कुटकी के बारे में पूछा है इसको हकीम भी नहीं जानते, लेकिन मेरे साथ जुड़े हुए लोग जानते हैं। और देखिए कुटकी ख़ास तौर पर लीवर के लिए काम आती है, और कुटकी एक छोटी मोटी दुकान पर मिलती भी नहीं है, और कुटकी की पहचान भी होनी चाहिए। आप जॉब वाली लेडी है तो इसे चेक कर लेना, फ़ोन में ढूंढ लेना कैसी होती है। और दवाओं में बड़ा मसला यह है कि मिलती जुलती दवाइयाँ दे देते हैं लोग, और मेरा तो सारा प्रोग्राम ये कहते कहते ख़त्म हो जाता कि भाई असली दवाई लेना। तो कुटकी बाहर से कुछ सफ़ेदी सी लिए हुए, हरापन लिए हुए, हरा और सफ़ेदी मिला हुआ, और अंदर से बिल्कुल हरी निकलती है, और इसे अगर मुंह में लिया जाए तो फीकी लगती है, लेकिन कुछ देर बाद अगर मुंह में रखा जाए लगातार तो इतनी कड़वी हो जाती है कि नीम की पत्ती भी कुछ नहीं इसके आगे। ये कड़वी होती है और लीवर के इलाज में काम आती है, और एक चुटकी एक वक्त में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और दिन भर में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं नमक जैतून के पानी से। नमक जैतून भी नकली मिल जाता है, असली लें, एक चुटकी पानी मिला कुटकी खा के ये पानी पी लें। और देखिए जहाँ से भी आप बात कर रहे हैं वहाँ कोई अत्तार की दुकान यानी दवा फरोश जो कच्ची दवाएं जड़ी बूटी बेचता है वहाँ मिलती हैं वो सब चीज़ें जो आपने सवाल किए हैं। तो उन्नाव वाला नुस्खा जो सपिस्तान उन्नाव अलसी तो खैर आप जानती हैं ये भी वहाँ मिल जाएगा, और जितने सारे सवाल हैं। वरना आजकल देखिए बहुत आसानी हो गई पढ़े लिखे लोगों के लिए, आप जैसी पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए, कि जो भी ढूंढना हो आप वही लिखें उसमें मोबाइल में और सर्च करें, फट से खुल के आ जाएगा। और कैसा होता है, कैसा जायका होता है, कितना इस्तेमाल होता है, अच्छी साइट पर देखें तो आपको सब मालूम हो जाएगा जी। गोंद मोरिंगा किस उम्र में इस्तेमाल किया जा सकता है? गोंद मोरिंगा 8 साल में अगर इस्तेमाल करते हैं बच्चे तो आधा ग्राम इस्तेमाल करें, 1 बार से 2 बार तक, लेकिन आधा ग्राम एक बार दें। 12 साल के अगर बच्चे बच्ची हैं तो फिर उन्हें 1 ग्राम एक बार भी दे सकते हैं। गोंद मोरिंगा में भी नकली बहुत आते हैं, असली सफ़ेद गोंद मोरिंगा
शुद्ध हुआ हुआ होता है। वैसे गौन मोरिंगा का जो कलर है वो कुछ लालिमा लिए हुए होता है, लेकिन जब तक इसमें लालिमा रहती है ये नुकसानदेह होता है। अगर ये सफ़ेद हो जाए तो इसको हम शुद्ध करते हैं तब अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है, और 12 साल के बच्चे को 1 ग्राम दे सकते हैं। ये बालों के लिए, चेहरे की खूबसूरती के लिए और हाइट ग्रो करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और भी बहुत फ़ायदे ये करता है। ज़रूरत के हिसाब से मैं आपको बताता रहता हूँ। हकीम सुलेमान यूट्यूब चैनल्स सब्सक्राइब कर लें, रोज़ाना आपको सारे नुस्खे मिलते रहेंगे। हमारी और आपकी जो बातचीत हुई है ये भी हम उसी पर डाल देते हैं। गोंद सिया का इस्तेमाल कर रही हैं, आराम काफ़ी है, हड्डी में तकलीफ बता रही हैं। और देखिए 20 साल पुराना रोग, और आपने बताया कि ऑपरेशन तय था, भगवान का बड़ा शुक्र कि उसने बचा लिया आपको ऑपरेशन से, नहीं तो ऑपरेशन के बाद जो हाल बनता है, जैसा आदमी होता है वैसा भी नहीं रहता। तो एक तो भगवान का खूब शुक्र करिए, मैं भी और आप भी, कि उसने आपको बचा लिया और मेरी इज्जत रह गई। अब इस उम्र में, जो आपकी उम्र है, इसमें मल्टीविटामिन, कैल्शियम और आयरन का एक कैप्सूल, ये सब का मिश्रित एक कैप्सूल या टेबलेट आती है, रोज़ एक बार ले लिया करें। इससे आपको कैल्शियम हड्डी के लिए और आयरन की भी ज़रूरत रहती है, और इस उम्र में वो सब इतना नहीं बन पाता जितने हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, तो हम बाहर से डाल देते हैं तो हमारी ज़रूरत पूरी हो जाती है। आप बहुत जल्द पूरी तरह अच्छी होंगी और हमें फ़ोन करेंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। दिव्या जुड़ गई हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। मैम नमस्ते जी। नमस्कार मैम। वीर जी नमस्ते। जय हिंद। स्वागत बहुत बहुत आपका। हम कैसे हो? ठीक हो? हम दोनों बहुत अच्छे हैं, आप बताइए कैसी? हम यही दुआ करते हैं आप हमेशा अच्छे रहो। मुझे आपसे दो सवाल करने थे। एक तो जी मेरी बहन की लड़की है, उसकी शादी को 7-8 महीने हो गए हैं, तो उसको ना भूख कम लगती है, पेट में भी थोड़ा दर्द रहता है, पेट के निचले हिस्से में। तो किसी ने बोला है कि इनको नले पड़े हुए हैं, तो ये क्या दिक्कत है? कोई समझ में नहीं आ रही भाई, इसमें प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं हो सकती? अगर कोई दवाई है तो आप बताएं। और दूसरा मेरा ये है, मैं आपकी दवाई 1.5 साल से खा रही हूँ, मेरा 20-25 साल पुराना दर्द, जो भी मेरे को परेशानियाँ थी, सब खत्म हो गई हैं। अब आपने मेरे को थायराइड की और यूरिक एसिड की बता रखी है, अलसी और धनिया, वो मैं नमक जैतून पानी के साथ ले रही हूँ। मेरे को अब 1 महीना हो गया खाते हुए। वीर जी मेरे को बहुत ही आराम है, बहुत ही, मैं तो चल भी नहीं पाती थी, अब मैं थोड़ी बहुत चल भी लेती हूँ, बाहर घूम भी लेती हूँ थोड़ा बहुत। और एक मेरे ना बाथरूम में जलन बहुत होती है, ऐसे आता है जैसे हल्दी की तरह पीला बाथरूम आता है। तो आप इस बारे में कोई दवाई बताएं, बहुत बहुत धन्यवाद होगा। भगवान का बड़ा शुक्र के आपको फायदा पहुंचाया और मेरी भी इज्जत बन गई। और ये जो आप नुस्खा ले रही हैं, इसके साथ पूरे दिन में हर प्राणी को, मुझ जैसे और आप जैसे हर शख्स को 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है। अगर उसके बाद हमारा बाथरूम पीला आए या जलन से आए तो हम रोगी हैं, वरना जो आप नमक जैतून ले रहे हैं ये इन्फेक्शन के लिए, आपके थायराइड के लिए, और धनिया जो ले रहे हैं और थायराइड के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है, आपको फ़ायदा भी है। और चाहें तो अपने यूरिन की जांच करा लें एक बार, आपकी कोई लेडी डॉक्टर तो ज़रूर होंगी, फैमिली डॉक्टर जिन्हें कहते हैं, उनके हवाले से एक जांच करा लीजिए ताकि और भी आसान हो जाए। वरना मेरी तरफ से तो ये कि एक दिन आप पूरे दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पिएं और फिर देखें कि आपको कैसा रंग का पेशाब आता है, तब आप रोगी हैं। आज की
जनता पानी बहुत कम पी रही है और उनको पेशाब पीला आता है। जब हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमारा पेशाब का रंग बदल जाता है। जी, बहन की लड़की हैं, भूख कम लगती है, पेट के नीचे की तरफ दर्द होता है, तो कंसीव में प्रॉब्लम तो नहीं होगी? हाँ, देखिए, इस सिस्टम का और कंसीव करने के सिस्टम का कोई ताल्लुक नहीं है। इस ये सब होते हुए भी कंसीव कर सकती है, लेकिन ये रोग भी क्यों रहे? तो एक आप जानते होंगे ज़रूर कि बेल का मुरब्बा आता है। अभी बेल तो नहीं आएगी, तो गर्मियों में आती है, बेल पत्थर का शरबत बना के भी पीते हैं। तो गर्मियां हों तो हमें उसका शरबत बना के पीना चाहिए। और ये जैसे ये मौसम है, इसमें बेल का मुरब्बा मिलेगा, बेल के मुरब्बा का शरबत बना लें, बड़े बड़े पीस आते हैं, या ऐसे ही खा लें बेल का मुरब्बा, और एक चुटकी में जितना नमक जैतून आ जाए पानी में मिला के ये पानी पी लें दिन में एक बार या दो बार, तो इससे वो बच्ची आपकी आसानी से अच्छी हो सकती है। जी, दिल्ली से भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ जी, मैं बताऊं, मेरी मिसेज को प्रॉब्लम है। हेलो जी। हाँ जी, मेरी मिसेज को प्रॉब्लम है, उनको एक तो शुगर है। ठीक है, शुगर है, शुगर। ठीक है, शुगर है उन्हें। हाँ। और थायराइड भी है। ठीक है। और घुटनों से चला नहीं जाता, उनके घुटनों में गैप आ गए हुए, डॉक्टर ऑपरेशन बोल। उम्र कितनी है उनकी? 67। ठीक है। अच्छा, देखिए, ऑपरेशन से पहले मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ, वो असली लेकर खिलाइए उनको। ये नुस्खा जो है बड़ा अजीब है, अगर असली मिल गया तो समझ लीजिए कि आपको पत्नी को फ़ायदा मुमकिन है। एक रॉ मटेरियल, कच्ची दवा है, इसे गौन सिया कहते हैं। ये असली ले लीजिए, 15-16 रुपए का एक ग्राम आ जाता है, एक ग्राम इतना सा, और उसमें से भी आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाना है। आधा चम्मच धनिया के पाउडर के साथ आधा ग्राम गोंद सिया, काला गोंद जिसे कहते हैं, लेकिन असली मिलना ज़रूरी है, कड़वा बहुत होता है। आधा ग्राम गोंद सिया और आधा चम्मच धनिया का पाउडर खाना है सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद। पानी से लें या दूध से लें, दो बार खाना है। और 5-6 दिन सबर करें, 5-6 दिन 7 दिन के बाद फ़ायदा शुरू करता है। ये इंग्लिश दवा नहीं है, एक कच्चा दवा है, रॉ मटेरियल। सबसे पहले उनके घुटने ठीक कीजिए और 15 दिन और 1 महीने में आपको एक विश्वास कायम हो जाए कि ये ऑपरेशन का केस नहीं है, ये तो ठीक हो सकता है, आपको सही दवा नहीं मिली है। तो फिर 3-4 महीने इलाज करना पड़े तब भी कर लीजिए। और उन पर ये पाबंदी रहेगी कि झाड़ू पोछा ना करें, वज़न ना उठाएं, ज़्यादा मेहनत ना करें इलाज के दौरान। ठीक होने के बाद सब कर सकती हैं। अब ये जो नुस्खा मैंने बताया, इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो थायराइड कंट्रोल होगा और एक आपके जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द में फ़ायदा होना चाहिए। 2 फायदे कम से कम होंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब शुगर की दवा जो है वही खाते रहे, लेकिन जब आपको विश्वास कायम हो जाए तो एक आता है और गोंद है जो जामुन का गोंद कहलाता है, ये तो बस एक चुटकी काफ़ी है,
एक चुटकी सुबह एक चुटकी शाम खाने से पहले पानी से खा लेना है, ये आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखता है। एलोपैथिक दवा भी खाते रहिए और ये भी खाइए, तो सारे रोगों का इलाज है। यकीन करें, असली दवा लें और भगवान से मदद मांगे तो फायदा मुमकिन है जी। रजनी भारद्वाज जी दिल्ली से स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार। हाँ जी मैम। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैम, दिल्ली से हूँ जी, बोलिए। हेलो सर, मेरा ना प्रॉब्लम ये है मुझे कि मेरा यूट्रस निकाल दिया है, ठीक है। उसके बाद मुझे प्रॉब्लम ये हो गई है कि मेरे हाथ वगैरह दर्द करते हैं और नसें वगैरह दर्द करती हैं, नीली नीली नसें सारी दिखती हैं। हाँ जी, और मेरा फैटी लीवर भी है और मुझे डाइजेशन की भी प्रॉब्लम है, मतलब एसिडिटी मोस्टली मेरे को बनी रहती है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी है 37 साल, 47। अच्छा मैडम, मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरे बेटे को बाई बर्थ प्रॉब्लम है। किस चीज की? बाई बर्थ प्रॉब्लम है उनको, और उनकी एज है 25 साल। मैम बाई बर्थ क्या प्रॉब्लम है? किडनी मतलब थोड़ी थोड़ी डैमेज हो गई है उनकी, और ब्लैडर भी मतलब सूजन सी रहती है उनके ब्लैडर में। उम्र कितनी बताई बेटे की? बेटे की है 25 साल उम्र। ठीक है मैम जी, बेटे की उम्र 25 साल। 25 साल, देखिए आपका भी रोग बहुत बहुत सहन किया आपने। ये जो यूट्रस का ऑपरेशन है, ये एक मौत और जिंदगी का फैसला है और इतना तकलीफ देह है, कुछ लोग नहीं जानते होंगे इसलिए बता रहा हूँ कि इस कदर तकलीफ दे है कि बस भगवान ही इसे बचाया। और अब तो ये सब कुछ हो ही गया, लेकिन इसके बाद हमारा ये सब इम्प्रेस हो जाता पूरा शरीर, नसें जोड़ हड्डियाँ सब इम्प्रेस हो जाती हैं, नसें नीली पड़ने लगती हैं, वज़न बढ़ने लगता है और हाजमा दुरुस्त नहीं रहता, लीवर फैटी हो जाता है और जाने कितनी परेशानियाँ, किडनी पर भी असर आता है। तो देखिए एक नुस्खा बता रहा हूँ जो आप खुद बनाएं, सब दवाइयाँ असली लें। अलसी 100 ग्राम, अलसी तो आप जानती होंगी, अलसी 100 ग्राम, धनिया 100 ग्राम और सौंफ 100 ग्राम, ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना लें और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम खाना है इन्हें। एक आता है नमक जैतून, ये बिल्कुल नमक जैसा ही होता है लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता, जिसे हम नमक जैतून कहते हैं, ये स्वाद में नमकीन नहीं होता, कलर में बिल्कुल नमक जैसा, देखने में बिल्कुल नमक जैसा होता, ये नकली बहुत मिलता है, ये असली ले लेना। बाकी चीज़ों की आपको पहचान है, वो तो आपको कोई नकली दे ही नहीं सकता, लेकिन इसके बारे में आप सीरियस असली लीजिए क्योंकि आपकी बहुत जटिल समस्या है। तो नमक जैतून एक चुटकी पानी में मिलाएं और इस पानी से ये धनिया सौंफ और अलसी का पाउडर रोज़ाना एक बार या दो बार खाया करें, आपको फ़ायदा हो सकता है जी। और बच्चे को आप हमेशा दें जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ, ताकि वो सेहतमंद जिंदगी जी सके, क्योंकि किडनी में अगर प्रॉब्लम आने लगी तो उसके टिश्यू में ख़राबी आती चली जाती है। लेकिन एक नुस्खा ऐसा है कि जो अलसी मैंने आपको बताई है, वो अलसी उसको ऐसे नहीं देनी, बहुत हल्का सा भून कर पाउडर बना दें अलसी को, ठीक है। और जो नमक जैतून आपको बताया है, वो एक चुटकी पानी में मिलाएं और आधा चम्मच अलसी इस बच्चे को खिलाएं, आधे से एक चम्मच अलसी खा सकते हैं,
हल्की सी भुनी हुई हो, ज़्यादा भुनी हुई नहीं, और ये पानी पिला दें दिन में एक बार या दो बार, तो आपका बच्चा भी तंदुरुस्त रह सकता है। सुहेल, स्वागत है आपका। हेलो, मैं हसन अली हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं बोल रही थी साहब से, मेरी दो हफ्ते पहले बात हुई थी। दो हफ्ते पहले बात हुई थी, मुंह पे जो पालिश मार गया। हाँ हाँ, फेस पे पालिश मार गया, उसके मेरे को जैतून का नमक बताया था। ठीक है, तो जैतून का नमक तो कंपनी से, आपकी कंपनी से नहीं दिया, जैतून का सिरका दे दिया मुझे। तो जैतून का सिरका किस तरह से लेना है, कैसे लेना है, ठंडा तो नहीं होता है, और ये सांस बड़ी और एक छोटी है, और मुंह से थोड़ा बोलने में ये डॉक्टरों का गाल ही जाता है। ठीक है मैम, और आपके पास कंपनी का मंगाया हुआ असली ही रहे नहीं, आपकी कंपनी का जैसे सुलेमान हकीम साहब का फोटो है उसके। अच्छा ठीक है मैम, अभी हमने खोला नहीं, अभी हमारे यहाँ कल ही आया है। ठीक है ठीक है। हाँ देखिए, दुआ के साथ और कुछ सदका करके ये दवा शुरू करें। सदके का मतलब है कुछ किसी ज़रूरतमंद को दे दे, और ये दो चम्मच या तीन चम्मच सिरका पानी में मिलाएं, और इसमें एक चुटकी खाने का सोडा मिला दें। जो सोडा आपके किचन में है वो एक चुटकी मिला दें, और ये दिन में कम से कम एक बार, और दिन और रात में दो बार दे सकते हैं। खाने के बाद देना बेहतर है, और अपनी दवाएं भी जारी रखें। और जैतून का सिरका कुछ लोगों को नहीं चलता, तो कुछ लोगों को नमक जैतून नहीं चलता, जिन लोगों को नमक जैतून नहीं चलता उनको सिरका दे दिया जाता है, जिनको जैतून का सिरका नहीं चलता, ठंडा पड़ता है, तो उनको नमक जैतून दिया जाता है। तो आप इसे इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं, कई महीने लगातार लें, तब आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी अलवर राजस्थान से हैं बिहारी सिंह जी, स्वागत है आपका। नमस्कार साहब जी। नमस्कार जी, मैं मुझे 6 महीने साल दवाई खाते हैं आप यहाँ। हाँ, कौन सी दवाई खा रहे हैं? ये नमक जैतून, नमक किस चीज के लिए? जैतून और ये पी के सारी चीज ले रखती हूँ, दो चीज के डब्बे पी के, और ये कौन कौन मुरंगा 6 महीने हो लगा पाल लेकर, मेरे आज का बहुत है मेरे। हाँ, आपको तो प्रॉब्लम क्या थी सर? प्रॉब्लम क्या? पेट में तकलीफ है सर, कब्ज रहती है मेरे, कब्ज गैस बनती है। आराम है ना आपको? हाँ आराम तो है, पर पूर्ण रूप नहीं है पूरा। अच्छा, पूरी तरह नहीं है। कितना परसेंट लगता है आराम जी? कितना परसेंट आराम लगता है? ये समझो 50% मेरे फायदा। ठीक है जी। और देखिए, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान को खुद महसूस हो जाती हैं, जब रोगी पुराना होता है तो उसे ये भी पता रहता है कि उसको क्या चीज़ कब्ज़ करती है, बवासीर करती है, नुकसान करती है। तो ऐसी कोई चीज़ आप जानते हो तो वो ना खाया करें। और जितने भी दिन से इलाज कर रहे हैं, अगर 50% फ़ायदा है तो हो सकता है उतने ही दिन और लगें जितने आपको लग चुके हैं। और बहुत ख्याल रखिए अपना। बस मैं तो इसी से खुश हो गया कि आपको भगवान फ़ायदा दे रहा है। किसी को जल्दी और किसी को देर में फ़ायदा होता है। मैं दुआ प्रार्थना भी करूँगा कि आपको जल्दी फ़ायदा हो जाए।